क्या कह रही हो? आज पापा सोच के आए थे आज उनको एडवेंचर घुमाएंगे, आज बत्ती हो गया। सच में लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे नीचे बेसमेंट में सीधे चले जाते हैं लेवल वन पे, और उसके बाहर फिर घर के लिए निकलते हैं। कैसा लगा ये मॉल आपको जरूर बताइएगा, आगे रास्ते में क्या क्या होता है जरूर दिखा दीजिएगा। तो अभी क्या हुआ, हम लिफ्ट से निकल गए, केशव कार्तिक नहीं निकल पाए, तो उसके बाद फिर हाँ फिर गार्ड अंकल से इन्होंने बोला कि कॉल कर दो, मेरे पास कॉल आई, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा एलजी पे आ जाओ जहाँ हम उतरे हैं, तो बस हम आ गए और यहाँ से हम स्टेयर्स एस्केलेटर से नीचे चले जाएंगे, है ना। हाँ तो एस्केलेटर्स हैं यहाँ पे, वहाँ से हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि मेरा मन था कि एक बार और देख लें यहाँ पे, सब कुछ घूम लें, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आया नहीं। आपके पास टाइम होना चाहिए 3-4 घंटे अगर ये पूरा मॉल घूमना है, शॉपिंग करनी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। इतना ही ब्राइट है ना यहाँ का नज़ारा, सब कुछ मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत सुंदर, इतना खूबसूरत नज़ारा है। भारत ने बहुत तरक्की कर ली इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, कि ग्रैंड वेनिस मॉल, ग्रैंड वेनिस की तरह ही, यहाँ पे वेनिस की तरह ही ग्रैंड है ये, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल हियर। वापस आ गए, कर धर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। मम्मी का भी शाम हो गई है, 6 बज गए करीब, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, और हाँ बिल्कुल उन्हें भी लाएंगे अगले हफ्ते किसी मॉल में घुमाने के लिए। मैंने कहा कि चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं, अब पीते पीते मॉल के आगे सामने आ गए, और उसके बाद मैंने कहा मॉल घूम ही लो यार। मॉल का सफर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और हम जा रहे हैं अब नीचे बेसमेंट में, गाड़ी लेंगे और सीधे भाग जाएंगे। भाई लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, नहीं बोल रही अकेली है घर, बच्चों के कहने पे क्या क्या नहीं करना पड़ता। जा रहे हैं हम बेसमेंट के अंदर, मम्मी थोड़ा साइड हो जाए, सब कुछ कहना पड़ता है बच्चों के लिए, सब कुछ करना पड़ता है। आ गए हम बेसमेंट में, और गाड़ी खड़ी है 11 पे, चलिए हाँ इधर की तरफ है बेटा, वो उधर की तरफ, मैंने कहा था ना ये देखो बोबो दिन बोरी। तो हम लोग बैठ गए गाड़ी में, और अब हम दादी और मम्मी इसलिए इस वजह से नहीं आए क्योंकि उन लोगों ने साड़ी पहन रखी है, तो वहीं से उठा लेंगे जाते समय, मतलब ले लेंगे। और पापा गाड़ी में थोड़ा सही लैंग्वेज यूज करो लल्ला, तो क्या बोलेंगे, पिकअप कर लेंगे, पिक कर लेंगे, पिक लेंगे। अरे 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 मेरी उंगली आ रही है, तो ये आ रही है दादी, ये आ गई है मम्मी, और हमने इन्हें पिकअप कर लिया है। थैंक यू। निकल चुके हैं फिर से हम ग्रेटर नोएडा की सुंदर सड़कों पर, हमें लग रहा था शाम हो गई है, लेकिन 6 तो बज गए होंगे, कितना टाइम हो रहा है पापा? 4:30। नहीं बेटा, हाँ, 4:30 हो रहे हैं। हाँ तो अब सर्दियां नहीं रह गई है ना, सर्दियों में तो भाई ऐसे टाइम पे अंदर लगे चले जाना, ऐसे टाइम पे लगता था कि सर्दियों में 7 बज गए। हाँ बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, और 7 बजे लगता था कि 9 बज रहे हैं। फिर इसलिए क्योंकि हमारा घर जो है ना ग्रेटर नोएडा से वेस्ट की तरफ है, और सन जो है इधर वेस्ट में है, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो इसलिए मैं, पापा आप बता दो किसकी बात चल रही है, वेस्ट और सन। हाँ इसकी बात चल रही है ना कि हम क्यों जा रहे हैं इधर की तरफ, क्योंकि मुझे भी रास्ते तो पता नहीं है सारे के सारे, तो इसलिए मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये परी चौक है। एक टाइम यहाँ आने में ना डर लगता था क्योंकि पूरा वीराना था, आज की डेट में देख लो भाई।
बताइए आपको कैसा लग रहा है। हम घर आ चुके हैं और चूंकि हम चाची को आपकी जो है घर पे छोड़ के गए थे, तो आपके पापा देखिए क्या क्या ले आए हैं। इसमें फ्राइड मोमोज है और इसमें बर्गर है और ये बर्गर है। और चाची को कैसा लगा? कह रही है कूद कूद के पार्टी हो गई मेरी। चाची को आपकी जो है वो ये इतने हमारे बाबू भी बहुत खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है एकदम। बाबू हमारा कल इन्होंने क्या काइंड किया था मम्मा याद है? पूरा एक प्लेट लेके बैठ गए। हाँ हाँ, अब दुख की स्टोरी ना बाद में सुनाना, पहले खा लेते हैं ठीक है। तो निकल पड़ा हूँ मैं श्री राधा माधव के दर्शन करने के लिए। पीछे शिव चौक है मेरे, आप देखोगे कि ये शिव जी की मूर्ति विराजित है और वहाँ पे एक मंदिर है, आप देखोगे पीछे ये सारे शॉप्स बने हुए हैं। पीछे की तरफ वो जो टेंपल है, जो ये प्रमाइसिस पे देख रहे हो आप, ये टेंपल जो शनिदेव का मंदिर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना। तो ये सारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे सबके अलग अलग। तो इन्हीं मंदिर में से एक जो वो सामने दिखाई दे रहा है स्कूटी के बिल्कुल सामने, बगल में जो है खाटू नरेश का टेंपल है। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो खाटू जी की जयकार जरूर करता हूँ, बोले खाटू नरेश की जय। बाबा लिया करते थे, तो आप दर्शन कीजिएगा सर। हाँ खोलिएगा, ये डब्बी नहीं खोलने लगे आपको, पीछे तक स्पर्श करा दो, स्पर्श करा दे सबको। क्या रहेगा यहाँ पास से आगे काम कर रहा, यहीं से हाँ एक हम इसे बाहर रख देंगे ताकि आप प्रणाम कर लें, पहले पुष्पाचन कर लें। आओ मुझका जी मधुर प्रेम करता
गूंजे। तो हेलो, आप ही करो आज। जय हिंद। जय हिंद। तो क्या हुआ है, गोलू यहाँ पे आया हुआ है, आज कहाँ से आ रहे हो, पसीने पसीने हो रखा है। आज एक चीफ गेस्ट आए थे हमारे कॉलेज में, तो उन्हें रिसीव करना था मुझे। अच्छा, चीफ गेस्ट आए थे, उन्हें रिसीव करना था। तो देखिए कितने सारे मेडल हैं गोलू के, ये सारे इसने जीते हुए हैं एनसीसी में, ये सारी अचीवमेंट्स हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम गोलू को इस गेटअप में देखते हैं, तो देखिए कितना ही प्यारा गेटअप होता है इसका, बहुत अच्छा लगता है, पसीने से पूरा गीला है। बताइएगा आप कैसा लग रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, अच्छे होंगे ना, गोलू को देख के तो और भी ज्यादा अच्छे हो गए होंगे। इधर देखिए जरा इन्हें भी, हेलो। आज सब येलो में ना। हाँ, आज थर्सडे है, तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि येलो में ही आए। नई बहुरिया भी हमारे घर में येलो में ही है, अभी मैं इनको थोड़ा फोन दे दूंगा और वो थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेंगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं करता। आप शादी की जो नई नई व्लॉगिंग हुई थी वो हो गई, और उसके बाद मैं नहीं करता नई बहुरिया की। तो आप लोग भी अगर देखना चाहते हो गे, तो और सब्सक्राइब करो। हाँ बिल्कुल, तो हमारे छुटके मैं नहीं बोलता, लेकिन ये याद दिला देता है। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या अच्छा नहीं लग रहा, या अब हमें देखते क्या बोर हो चुके हैं, वो भी बता दीजिए। तो व्यूज बहुत कम हो गए, या तो सभी अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए, स्कूल ऑफिस वगैरह खुल गए हैं, तो हम समझ सकते हो सकता है, ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा लगता है, प्यार देने वाले परमानेंट लोग भी हैं हमारे पास, यही देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है।